आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्र से लेकर स्टेट के तमाम नेता और फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती भी आज झारखंड पहुंचने वाले हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि वहां पर कई जगह पर आज बीजेपी की तरफ से जनसभाएं होंगी और वहीं पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचेंगे और वो भी वहां पर जनसभा करेंगे, अपनी जनता को संबोधित करेंगी। तो देखते हैं आज जो है जनसभा किस प्रकार से होती है और वहां पर इन जनसभाओं का कितना प्रभाव उन विधानसभा क्षेत्रों में पड़ने वाला है और बीजेपी जिस प्रकार से कोई भी ऐसा क्षेत्र ना रहे जहां पर बीजेपी के स्टार प्रचारक ना पहुंचे, ऐसा कोई क्षेत्र बचने वाला नहीं है झारखंड के अंदर। तो सदन के पास सदन हमारे साथ दोस्तों जुड़े हुए हैं जो आपको बताएंगे कि बीजेपी कहीं ना कहीं ये सोचकर सतेंद्र झारखंड में चुनाव में उतरी हुई है कि इस बार जेएमएम को झारखंड से उखाड़ फेंकने की वोट लगाए हुए है। कहीं ना कहीं कहीं इतनी जनसभा देखने को मिल रही है, हमने मध्य प्रदेश में भी देखा है तमाम जनसभा जहां भी चुनाव होता है बीजेपी की जो स्टार कैप्टन है वो जनसभाओं का आगाज प्रदेश में इस प्रकार से करते हैं कि जनता कोई अन्य चीज सोच भी नहीं पाती है और जनसभाएं जनसभाएं उसके दिमाग में चलते रहते हैं बीजेपी के तमाम नेताओं की। तो थोड़ा सा बताएं आज की जो है बीजेपी जो इतने जगह पर करीबन 15 से 20 विधानसभाओं में आज सभाएं करने वाले उनके स्टार कैप्टन है। बिल्कुल भरत, जिस प्रकार से आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड के अंदर एक से बड़ी एक रैलियां करने वाली है और बड़े बड़े नेताओं की वहां पे रैली होने वाली है, आपने मल्लिकार्जुन खड़गे की भी बात करी, ऐसी जो तमाम आपने बात करी है, तो मैं आपको बता दूं कि झारखंड के अंदर जहां जिस प्रकार से जो फेज वन की वोटिंग हुई थी और वोटिंग के समय पे जैसे हमको एक नया वहां पे त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिला है। अभी तक हम जब जो देख रहे थे जो डायरेक्ट मुकाबला हमको समझ में आ रहा था वो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस जेएमएम समझ में आ रहा था, और जिस प्रकार से हम बात करें झारखंड के जो टाइगर जयराम महतो हैं वो महतो वहां पे एक आक्रामक हुए हैं। वही अगर हम बात करते हैं गिरिडीह विधानसभा की जिसकी चर्चा हमने कल किया था और अपने दर्शकों को बताया कि फेस वन के बाद जो वोटरों का रुझान बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है उनकी तरफ, और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो झारखंड के अंदर 15 से 22% जो कुर्मी महतो ये ओबीसी हम वोटर्स की बात करें और जो वहां पे झारखंड के अंदर 25% के लगभग जो आदिवासी वोटर्स है, तो 2024 का जो दूसरे फेज का चुनाव है, दूसरे फेज के चुनाव में सभी राजनीतिक दलों का फोकस है इन वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने की। तो मैं गिरिडीह विधानसभा की बात कर रहा था जहां से जो लोकसभा का चुनाव 2024 का हुआ था वहां से जयराम महतो चुनाव लड़े थे और लगभग 3.5 लाख वोट उन्होंने खींचे थे। तो गिरिडीह विधानसभा के अंदर ही जी भारत में बता दूं आपको कि उसके अंदर ही ऐसा हुआ था कि जो वोट है उस वोट को उन्होंने ज्यादा से ज्यादा आकर्षित किया था और उनकी पार्टी लीड में थी। तो अभी कुछ समय पहले ही गिरिडीह विधानसभा से जो उनके कार्यकर्ता हैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के 2 कार्यकर्ताओं को अज्ञात लोगों ने हमला किया है और हमला से वो जो हॉस्पिटल में है वो कार्यकर्ता वो भर्ती है। इसको लेकर के झारखंड के अंदर जो गिरिडीह विधानसभा में स्पेशली बात करें तो काफी सख्त हो गई है और वहां पे जो वोटर्स हैं तो एक सिंपथी वोट भी मिलता दिख रहा है, क्योंकि जो हम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो 2 कार्यकर्ताओं की बात करते हैं जिनको ऊपर चाकू से हमला किया गया एक बहुत बड़ी घटना है, और गिरिडीह वही विधानसभा है जहां से लोकसभा के चुनाव में जयराम महतो को बढ़त मिली थी। तो इसी बीच जो भरत हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी जो तमाम रैलियां कर रही है इन रैलियों के बीच में भी आप देखेंगे जो तीसरी पार्टी है जो जमीनी स्तर पे हमें देखने को मिल रहा है वो इनका जयराम महतो का जो जादू देखने को मिल रहा है वो कुछ कम नहीं है। अब बिल्कुल सत्येंद्र, जयराम महतो का जो जादू है वो कहीं कम नहीं है और देखने को मिल भी रहा। पहले फेज के इलेक्शन में दोस्तों जयराम महतो ने कहीं ना कहीं कमाल करके दिखाया है और जिस प्रकार से इलेक्शन के बाद जो पहले फेज का मतदान हुआ उसके बाद से जयराम महतो चर्चा में आए हैं, तब से कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके चेहरे पर खुशहाली है और वो बिल्कुल मानकर चल रहे हैं कि इस बार भले ही उनकी पार्टी पहली बार चुनावी मैदान में है, नई पार्टी है झारखंड के अंदर, लेकिन जिस प्रकार से उनका जो उत्साह बढ़ा है पहले फेज के चुनाव के बाद इलेक्शन के बाद
जी देखने वाला और है भरत बिल्कुल भरत सदन। मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने रैलियों की बात करी, मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली की बात करी, तो बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही जैसे जो चल रहा था योगी आदित्यनाथ का भाषण ज्यादा चर्चाओं में छाया रहा और उन्होंने कहा था बटेंगे तो कटेंगे, वहीं जो प्रधानमंत्री मोदी है वो कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इस प्रकार से इन्हीं भाषणों के बीच में जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उन्होंने कहा है कि डरोगे तो मरोगे, तो इस प्रकार से जो भाषण है जो नेताओं की रैलियां हैं झारखंड के अंदर वो शोर मचा रही है और झारखंड से ये शोर निकलता हुआ रैलियों का और नारों का कहीं ना कहीं महाराष्ट्र भी पहुंच रहा है और ये आने वाला जो चुनाव बिहार दिल्ली और हम बात करें कि अन्य राज्य हैं उन राज्यों तक भी ये शोर आपको देखने को मिलेगा। तो झारखंड के अंदर बिल्कुल इन्हीं शोरों के बीच में जिस प्रकार से जो अपनी दस्तक या फिर हम कहें प्रेजेंटेशन या उपस्थिति जयराम महतो ने लगाई है, इससे सभी पार्टियां जो हैं उन पार्टियों की जो नींद है वो नींद उन्होंने अच्छी तरीके से खराब कर रखी है। हम कुछ दिन पहले की हम बात कर रहे थे भरत, झारखंड के अंदर जिस प्रकार से गिरिडीह विधानसभा में इनको एक बड़ी बम्पर बढ़ाते लोगों का जो सपोर्ट है, जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं को जो रुझान उनकी तरफ देखने को मिला है झारखंड में गिरिडीह विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, कार्यकर्ता जिस प्रकार से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, जो इनकी विधानसभा जहां से अभी हम बात करें डुमरी की बात करें और बैरमो की भी बात करें क्योंकि दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो कार्यकर्ता सपोर्ट कर रहे हैं काफी उत्साहित ये पार्टी लग रही है। मुझे लग रहा है कि झारखंड के चुनाव में जिस प्रकार से अभी तक और अभी भी हम बात करें जो रैलियों का जो नेताओं को एक पृष्ठभूमि की हम बात करें या फिर जो बड़े बड़े चैनल बड़े बड़े नेताओं को जो जगह दे रहे हैं अपने चैनलों पे, उन जगहों के बीच में जो ये जयराम महतो है जिस प्रकार से स्पेस और अपनी जो उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जो चुनाव होगा मुझे लग रहा है कि जो झारखंड का जो गिरिडीह विधानसभा है यहां से उनकी जो उपस्थिति है वो मजबूत लग रही है और लग रहा है कि यहाँ से जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है वो एक बड़ा चेहरा बन के दिख सकती है।